आज यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर आपको ले आए हैं, डाउकी में, जहाँ एक लेक है और उस लेक का पानी इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में जाता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो लोग टूरिस्ट लोग यहाँ पर नहा रहा है वो बांग्लादेश से आया हुआ है। हम लोग इंडियंस हैं और एक यहाँ पर अनदेखा एक बॉर्डर है जहाँ से ऊपर उस तरफ हम लोग जा नहीं सकते हैं। उस तरफ BSF खड़ा हुआ है, BSF का जवान खड़ा हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा दिखाइए, कैमरा इधर घुमाइए, थोड़ा देखिए, यहाँ पर जितना सब जो नहा रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो सब बांग्लादेश टूरिस्ट है। अब तो सबको देख सकते हैं, हाथ भी हिला सकते हैं सबको। बहुत 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 ही अच्छा फीलिंग्स हो रहा है। आप ज़रूर आइएगा, मेघालय आइएगा तो डाउकी में ज़रूर आइए और यहाँ पर बोटिंग कीजिए और इस अनोखे जगह पर विजिट कीजिए। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो सब बांग्लादेश के टूरिस्ट हैं, यहाँ पर घूमने आए हैं। और जो किनारा दिखाई दे रहा है वो बांग्लादेश का है, और यहाँ पर जो डायने साहिब का किनारा दिखाई दे रहा है, बादल छाया हुआ है, ये इंडिया है। और ये आप देख सकते हैं डाउकी लेक, वहाँ पर ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज है। हम आपको ले आए हैं इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर में। तांबिल बॉर्डर है वहाँ पर, जो आप देख सकते हैं कुछ ही फीट के दूरी पर ये बॉर्डर है। हम लोग थोड़ा घूम के आए हैं, इस तरफ मेघालय है, इस तरफ बांग्लादेश है। ये जो फीलिंग्स है, बहुत बहुत ही उमदा किस्म का फीलिंग्स है। आप थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर शेख हसीना सामने ही है, शेख हसीना और नरेंद्र मोदी जी की वीडियो पोस्टर लगा हुआ है। और यहाँ पर इंडिया का फ्लैग उड़ रहा है, आप जो देख रहे हैं ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश बॉर्डर है। और आपको दिखाते हैं जूम करके थोड़ा, ये वेलकम टू बांग्लादेश लिखा हुआ है। यहाँ पर तांबिल 0 किलोमीटर, सिलेट 54 किलोमीटर, ढाका 300 किलोमीटर, आपको वेलकम कर रहा है बांग्लादेश। फीलिंग से बहुत 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 अच्छा अनुभव हो रहा है, आप जरूर जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर बांग्लादेश एक चेक पोस्ट बना हुआ है BSF का, यहाँ पर तांबिल का कस्टम ऑफिस है बांग्लादेश का, ये सब। आज का सफर यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग के साथ बना रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।